हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट। गाइस, यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए नया वैकेंसी आया है बैंक के ज़रिए। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में आपको नया वैकेंसी आया है। इंडियन बैंक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, इंडियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023। इसका जो शॉर्ट डिटेल्स दिया गया है, इसका नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर जाके भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, 16/2 से स्टार्ट हो गया, 28/2 तक चलने वाला है। आपके पास टाइम है अभी भी, आपके हिसाब से जाके आप ठीक से पढ़ के फिर अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और एक बात, यहाँ पर एज लिमिट जो दिया गया है इंडियन बैंक एसओ रिक्रूटमेंट का, जो एज लिमिट दिया गया है वो 20 साल से 40 साल पोस्ट वाइज, आपको 20 साल या 40 साल का अंदर आपका एज रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट वाइज। ठीक है, एज पर गवर्नमेंट रूल आपको 5 ईयर 3 ईयर का छूट भी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, इंडियन बैंक स्पेशल ऑफिसर, इसमें रिक्रूटमेंट 2023 का टोटल वैकेंसी आया है 203 पोस्ट में। ठीक है, अच्छा खासा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ऐसे ही आता है 200-600 ऐसे ही आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फाइनेंशियल असिस्ट एनालिस्ट, क्रेडिट ऑफिसर, रिस्क ऑफिसर और आईटी कंप्यूटर ऑफिसर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मार्केटिंग ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर, इसी जो पोस्ट है इस सब मिला के 203 पोस्ट में टोटल आया है वैकेंसी। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बैचलर डिग्री अगर आपका होगा, मतलब आपका आप अगर ग्रेजुएट होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। किसी भी पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते, ग्रेजुएट होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास बीटेक रहेगा तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका पोस्ट वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इधर, यही बोला गया है। और आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है उसके हिसाब से आप भर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, भोपाल, सब कुछ जो दिया गया है सब स्टेट के लिए दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, थैंक यू।